हुंकार जन आक्रोश रैली यात्रा का जो द्वितीय चरण धनकौर से शुरू हुआ है और आज आपके इस बुलंद शहर में पहुंचकर जो संदेश देने का काम निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल के द्वारा दिया जा रहा है कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, हम लोग के बीच में निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र मणि निषाद जी आपके बीच में मौजूद है, भाई देवेंद्र कश्यप निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल के पश्चिमांचल के प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय माता महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कांति मझवार जी, एकलव मानव संदेश के संपादक आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय राजेश तुरैया जी, आप सभी साथियों के मदद से और जो निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल की विचारधारा है और जो इस निषाद पार्टी की लड़ाई है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने कई सरकारों को वोट दिया, कई सरकारें बनाई और कई सरकारें हमने बिगाड़ी, लेकिन हमारा हिस्सा कहाँ गया? और राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन आज तक हमें ये सारी की सारी चीजें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसके बारे में भी अभी विस्तृत जानकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने दिया, लेकिन आज का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है आरक्षण का, आरक्षण संविधान में दी हुई एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अपने अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षण एक माध्यम है कि जिससे हमारी गरीबी मिट सकती है, जिससे हमको मान सम्मान स्वाभिमान मिल सकता है। गरीबी जो है एक बीमारी है और आरक्षण इसकी दवाई है, ये बात आप लोग गौर से सुन लीजिए साथियों, क्योंकि आज इस पूरे प्रदेश में हम लोग 578 उपजातियों में बंटकर अपने अधिकारों से छट गए हैं। निषाद केवट मल्ला कश्यप धीवर बातम बिम तुरैहा रैकवार, इन सभी उपजातियों में हम लोग बंटकर अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई लड़ने का नतीजा यह रहा कि हम लोग कमजोर से नहीं, हम लोग बद से बदतर हो गए, लेकिन धन्य है हम लोग कि आज के निषाद समाज के प्रेरणा स्रोत, निषाद समाज में मछुआ समुदाय में कश्यप समुदाय में राजनीतिक चेतना जगाने वाले आदरणीय महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हम लोग के बीच में आए, मैदान में वोट देकर हम लोग को इतिहास की जानकारी दिया, लेकिन और उस इतिहास को अगर हमें आप लोगों ने पढ़ाया और आप लोगों को भी पढ़ाया तो जितना भी हमें नुकसान हुआ है वो बहुत जल्दी 4 सालों में साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक बहुत आरक्षण ये सरकारें क्यों नहीं दे रही? जब जब चुनाव आता है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो चाहे वो 2017 का चुनाव हो, ये सारी की सारी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर हम लोगों के बीच में, जैसा कि हमारे देवेंद्र भाई ने कहा कि गंगा पुत्रों में विश्वास दिलाने आया हूं, योगी जी ने भी गोरखपुर में कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो मैं निषाद समुदाय को आरक्षण देने का काम करता, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो हम लोग उस सब्जी के तेज पत्ते की तरह होते हैं कि सब्जी बनने जाने के बाद तेज पत्ते को सबसे पहले चूस कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह जब सरकारें बन जाती है हमारे वोट को ले लिया जाता है, तो हमारे निषाद कश्यप समुदाय के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जाता है, उनके अधिकारों को हनन करने का काम किया जाता है। तो आज आरक्षण क्या है इसके बारे में सोचने और समझने की जरूरत है। आरक्षण हम लोग को
आजादी के समय से मिला हुआ है। 16 और 22 दिसंबर 2016 को मझवार के नाम से, तुरहिया के नाम से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस शासनादेश को निष्प्रभावी करके हमारे उस सर्टिफिकेट को बनने नहीं दे रही है। तो इसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी और एकजुट होकर लड़नी होगी। और उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गोरखपुर में जितने भी निषाद समुदाय के लोग थे, मछुआ समुदाय के लोग थे, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की बात को मानकर जो अभी 2017 में हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और हम लोगों ने अपनी गिनती कराई थी, तकरीबन 80 सीटों पे हम लोग 6 लाख वोट पाए थे और गोरखपुर में हम लोग जो गोरखपुर ग्रामीण की सीट थी 36,000 वोट का हम लोगों ने आंकड़ा पार किया था। जौनपुर में हम लोगों ने 32 से 42,000 वोट पाए। भदोही में हमारा एक विधायक जीता और कई सीटों पे हम द्वितीय स्थान पर रहे। तब जाकर 2018 में जो उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल, ये सारी की सारी पार्टियां आपके इस बेटे को, आपके इस पार्टी को मदद करने के लिए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। और जो गोरखपुर की सीट अजय थी, जिसपे सामंतवादियों का कब्जा था, जो हमारे बाबा मच्छेंद्रनाथ जी की धरती थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का कब्जा था, उस कब्जे को हम लोगों ने छुड़ाया और 29 साल के उस किले को ढहाकर मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए लोकसभा के उस सदन में आपके आरक्षण की भी हमने आवाज उठाई, लेकिन ये जनता विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपके इस बेटे को सदन में भी बोलने का मौका बहुत कम दिया, लेकिन फिर भी हमने आपकी आवाज को पूरी ताकत के साथ स्पीकर महोदय के सामने रखने की बात की और सरकार के सामने इंजीनियर प्रवीण निषाद। लोकतंत्र में हमें आरक्षण मिला हुआ है कि ये वर्तमान सरकार हमें आरक्षण क्यों नहीं देने का काम कर रही, कि जिस प्रकार पूरे देश में किसी भी वस्तु पे जीएसटी 1 बराबर होती है, तो उसी तरह पूरे देश में जो मछुआ समुदाय है, निषाद के वट मल्लाह बिन सुरैया खिलवट चाई कश्यप रायकवार धीमर माथम लोधी लोधी राजपूत, ये सारे के सारे लोग पूरे देश में विद्यमान है। इन सारे के सारे लोगों के लिए भी एक समान व्यवस्था कर दी जाए, आरक्षण में सुविधा दे दी जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गोरखपुर की सीट पर यह आपका बेटा सामान्य सीट से जीत कर जाता है, वहीं हमारे बड़े भाई रामचरित्र निषाद जो मछली शहर से है वो अनुसूचित जाति के कोटे से जीत कर जाते हैं। ये विभिन्नता हमारे बीच में क्यों है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है साथियों, और इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बीच में झूठे झूठे वादे कर झूठे सपने दिखाकर वोट लेने का काम करती है, ये 420 पार्टी है, ये जुमलेबाज पार्टी है, इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि 2019 फिर से चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में आएंगे और फिर से झूठी झूठी बातें करेंगे, कभी 15 लाख रुपए की बात करेंगे, कभी 2 करोड़ नौकरी की बात करेंगे, लेकिन जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में किया, किसी भी वादों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं। हमारे जितने भी नौजवान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें गुस्सा क्यों नहीं आता जब ये हमारे पीठों पर लाठियां बरसाते हैं? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारा समुदाय पढ़ा लिखा नहीं है? हमारा समुदाय भी पढ़ा लिखा है, हमें भी नौकरी की जरूरत है, हम भी मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये जनता विरोधी ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
यह हमें नौकरी नहीं देना चाहती, हमारे अधिकार नहीं देना चाहती, लेकिन हम लोग मछुआ समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वही मछुआ समुदाय जो नदी के अंदर मछली मार कर खाता है तो अपने अधिकार को भी छीन कर ले लेगा और अपने माताओं बहनों को, अपने पिता से बुजुर्गों के बीच में उनके अधिकार को देने का काम करेगा। साथियों, आज पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। साथियों, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल को मजबूत करने की जरूरत है। जितने भी आर्थिक स्रोत हैं उन सारे के सारे स्रोतों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। इतिहास गवाह है, इतिहास हमारा ये कहता है कि कभी हमारे पुरखे इस देश के राजा महाराजा हुआ करते थे, हम जल जंगल जमीन तीनों के राजा हुआ करते थे, तीनों के मालिक हुआ करते थे। और जल जंगल जमीन से जितनी भी निकली हुई वस्तुएं हैं, चाहे वो बालू हो, चाहे वो मोरंग हो, चाहे वो गिट्टी हो, चाहे वो लकड़ी हो, अभ्रक हो, सोना हो, हीरा हो, चांदी हो, अभ्रक हो, ये सारे की सारे चीजें जमीन से निकलती हैं, इनमें भी हमारा हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई हजार करोड़ रुपए नमामि गंगा में बहा देती है सरकार, कई हजार करोड़ रुपए मूर्तियां बनाने में लगा देती है, कई हजार करोड़ रुपए शौचालय बनवाने में लगा देती है, लेकिन आपको अधिकार एवं हिस्सा देने की बात नहीं कहती। अभी सदन के अंतिम दिन जो 10% का कोटा भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षित किया, तो क्या हमें भी नहीं मिल सकता था आरक्षण? वो बहस एक दिन पहले भी हो सकती थी, हमारे लिए भी वो बहस हो सकती थी, मछुआ समुदाय के उस आरक्षण के लिए भी बहस हो सकती थी, लेकिन उस पे वो विचार नहीं करेंगे। बस मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि सदन में जिसकी जिसकी संख्या होती है उन्हीं की बात मानी जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुलता है, उनका बहुमत है उसमें, तो उनके लोग अपनी बात, अपना बिल उसमें पास कर लेते हैं, लेकिन हमारी बहुमत उसमें नहीं है, इसलिए हमारा बिल फेल हो जाता है। तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बिशंबर प्रसाद निषाद जी ने राज्यसभा में बिल पेश किया था इसी आरक्षण को लेकर, लेकिन उस समय 3 वोट मिला। लेकिन जब आपका बेटा लोकसभा में आरक्षण की आवाज उठाया और फिर से जब राज्यसभा में बिल गया तो 33 वोट मिलने का काम किया, तो 3 से हम लोग 33 होंगे। साथियों, तब जाकर हमारा अक्षर हम लोग 3 के लाइन आपके बीच मिला देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह संगठित होकर अपनी शक्ति आज के बाद सरकार बनाओ, सत्ता में आते ही सब धनात्मा होगा, जो आपकी माँ का हिस्सा है सब निषाद कच्छपों को मिलेगा, ये आपसे वादा करके जाते हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, गोरखपुर में रेलवे कांड हुआ था 7 जून 2015 को, इन्होंने कहा था कि कच्छप निषादों की लड़ाई हम सदन से सड़क तक लड़ेंगे। वो एक भाई हमारा शहीद हुआ था, उसमें गोरखपुर में रहा था, आज 2 साल बने हो गए, नरेंद्र मोदी और योगी को भी 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने, क्या उस मुख्यमंत्री ने हमारा आरक्षण की बात करी? वो तहसीलदार के यहाँ आरक्षण रखा हुआ है, क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने का कोई हक है? लोकतंत्र में जो संविधान की खिल्ला उड़ाता है उसको गद्दी से उखाड़ कर फेंक दो, 2019-2022 में योगी मोदी का खात्मा कर दो, अपनी पार्टी को सत्ता में लाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। इसी बातों के साथ एक बार जोरदार नारे से मामना डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, अरुण निषाद जिंदाबाद, जय निषाद राज, जय निषाद राज। हमें इसमें आप देख रहे हैं, ये अभी ट्रैक्टर ट्राली भर करके रिसीव करने आ गए और ये सभी लोग कितना जोश जुनून उत्साह ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश निषाद कच्छप समाज के लोगों में भरा पड़ा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली से भर...
ये पूरा पूरा अपलोड कर दीजिए। साथियों जय निषाद राज। मछुआरसी जन आक्रोश सड़क का दूसरा चरण जो कल दोड़ाचार मंदिर से आज बुलंदशहर दीवाई पे पहुंच चुका है। मछुआरसी जन आक्रोश यात्रा और गोरखपुर इंजीनियर प्रवीण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, जिंदाबाद निषाद पार्टी, जिंदाबाद निषाद पार्टी, जिंदाबाद निषाद पार्टी, जिंदाबाद। अभी तो बैंक से बैठ जाइए, खड़े ना रहिए ना, खड़ा खड़ा ली निषाद पार्टी, बैंक से बैठ जाइए ना, खड़े ना रहिए ना, स्वागत करो फटाफट। संबल ग्राम प्रधान जय सिंह धोखा से आए, माननीय सभी का स्वागत कर रहे हैं। ग्राम प्रधान धोखा देखिए, हमारे बीच में हमारे अतिथि सांसद गोरखपुर और इस कारवा को लेकर आगे चल रहे डॉक्टर संजय निषाद जी के सारे सांसद जी का माल्यार्पण करें। साथी जय निषाद राज, देख सकते हैं जोरदार ताली पैसे कर स्वागत राकेश निषाद जी और मान्य सांसद जी का स्वागत करें। महावीर सिंह कशेर, उनसे निवेदन करूँ मान्य सांसद जी का माला करें। नाम बता दो क्या, नाम बता दो जरा। बाबूलाल नेताजी बघेल, वो भी आए और मान्य सांसद जी का स्वागत करें। रामलीला निषाद ग्राम प्रधान राजघाट, रामलीलाल निषाद ग्राम प्रधान राजघाट, वो भी आए और मान्य सांसद जी का स्वागत करें। राकेश बघेल कशेर, वो भी आए माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करें। डॉक्टर ओमपाल सिंह जी आए और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। अरे माला दो, गोपाल मिस्त्री डोका, वो आए और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। ग्राम प्रधान कम राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जसवंत सिंह निषाद जी अलीगढ़ से आए और अपने विचार रखें। जय निषाद राज। आवाज जिसके लिए अगर आप भीख भी मांगता है आदमी, वो भी जोर से मांगता है, तो हम अधिकार मांगने के लिए निकले तो आवाज जोर की होनी चाहिए या थोड़ी सी होनी चाहिए। अरे लोग कितने भी रहे, शेर एक करता है, हजारों गीदड़ जो भाग जाते हैं, आज तो आप हजारों हो तो हजारों की तादाद में भी आपकी आवाज बड़ी होनी चाहिए। ये जोरदार नारा लगाएंगे जय निषाद राज, जो खड़े हैं वो सामने आ जाए। अरे अपने अधिकार के लिए आप एक नहीं रहोगे, इसीलिए बटे हुए हो तो आपका अधिकार भी टूटा हुआ है। आज ये जो आरक्षण यात्रा का दूसरा चरण एक ऐसी जगह से शुरू हुआ है जहां आपके अधिकारों को महाभारत काल में आपके जाने हुए ज्ञान को एक अंगूठा के रूप में काट लिया गया था। उस वीर एकलव्य की जो कर्म भूमि थी, जो ज्ञान स्थली थी, उस जगह से चला है। तो आपको आज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भाजपा सरकार हमारे मिले हुए आरक्षण को जो पिछली सरकार हमको देते गई थी, उस सरकार के आदत को पालन न करके हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए भी कोशिश कर रही है कि पिछड़े वर्ग में आपको 3 कैटेगरी में बांट करके आरक्षण दे दिया जाए। क्या उस आरक्षण से आप विधायक बन सकते हैं, क्या आप सांसद बन सकते हैं? आपको
कुछ भी नहीं बन सकते। अगर देना है तो हमारी आबादी के आधार पर हमको पूरा आरक्षण दे दो। आज तुमने 10% का आरक्षण दे दिया जनरल कैटेगरी में, 3 दिन के अंदर, 2 दिन में सांसद, 1 दिन में जो है आपका जो प्रदान दिया 10% आज कर सकता है, तो ये पॉसिबल है हमारा दिया हुआ आरक्षण के लिए। आप 2 दिन की जगह अगर 3 दिन भी लगाना चाहो तो हमको ऐतराज नहीं है, लेकिन आपकी नियत में खोट है तो अब हमारे लिए भी पता लग गई है कि तुमने हमारे अंगूठा काटा, आज तुम हमारा आरक्षण काट रहे हो। तो अब की बात 2019 में हम तुमको काट करके इस प्रदेश से और देश से बाहर कर देंगे। इसी का संकल्प लेकर के आज आप यहाँ आए हो माननीय सांसद, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि 28-29 साल से जिसका कब्जा था गोरखपुर में, जो मुख्यमंत्री बना बैठा उत्तर प्रदेश में, उसको भी नेस्तनाबूद करने के लिए जिस छोटे से बेटे ने, आपके भाई ने संकल्प लेकर के उसको नेस्तनाबूद किया, अगर वो कर सकता है तो आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते। आपको ये जो क्रांति है अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बतानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा समझानी पड़ेगी, तभी आपका आरक्षण मिल पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूं। जय निषाद राम। मैं अब निवेदन करूंगा रविंद्र मणि जी से, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि जी वो आए और संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है तो मैं एक बार निषाद पार्टी निर्बल इंडियन सोशल हमारा आम दल के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। ये जो मजुआ ऐसी आरक्षण हुंकार जन आक्रोश यात्रा निकली है, सिर्फ यही संदेश लेकर के निकले हैं कि इसका नाम जन आक्रोश क्यों रखा गया। हमें आरक्षण चाहिए लेकिन आक्रोश क्यों इसका नाम रखा गया है, तो यह जान लीजिए कि जब किसी को भूख लगती है तो गुस्सा बढ़ता है, जब किसी को कोई चीज चाहिए होती है जब उसे नहीं मिलती है तो गुस्सा लगता है। जब मुझे इस कार्यक्रम में आना होता है और अगर साधन की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो गुस्सा लगता है। उस गुस्से को शांत कैसे करेंगे जब वह साधन संसाधन हमारे पास होगा। आज जिस अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 70 साल हो गया अभी तक आप हमारे समाज के लोग कभी रोड पे आकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि कमजोर आदमी मान से मान के मर जाता है, उसे जलावत और रात में सुबह कुछ नहीं मिलता, और ताकतवर आदमी बिना मांगे अगर खड़ा हो जाए तो दुनिया झुक के सलाम करने लग जाती है। आज माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने साथ जी आपके अंदर ताकत पैदा करने के लिए घर से बाहर निकाले हैं कि अगर कमजोर बन करके मांगोगे तो 70 साल बीत गए अभी तक आपका अधिकार नहीं मिल पाए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करो और ताकत का प्रदर्शन करते ही दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। और ये 3 साल में साबित हुआ कि जो आपका अधिकार लेकर के बैठे हुए हैं, जो कभी आपके फिर आवाज उठाते थे लोकसभा में राज्यसभा में, वो है लोग जिस समय आपके गोरखपुर के सदर सांसद माननीय इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी ने लोकसभा में अपनी आवाज उठाया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद माननीय विश्वम भाई जी ने राज्यसभा में आवाज उठाया। वहां पर जो लोग कभी आपके आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आपके आतंकवाद का विरोध कर रहे थे, जो संविधान की सूची में तुरहा कोली खरोट खरवार बलदार ऐसे करके 7 नामों से आप जाने जाते हो, आपके तमाम उप जातियों का अधिकार लिखा हुआ है, उसमें सपा बसपा और कांग्रेस सब ने खड़ा होकर के समर्थन कर दिया। अगर उन्होंने समर्थन किया तो जो अब तक आजादी के बाद से और आपके अधिकारों के बीच में रोड़ा बने हुए थे, इसमें 3 साइड हो गए, 3 लोग किनारे हो गए, अब बचा अगर एक है भारतीय जनता पार्टी तो उसको कुचलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, कुचलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। क्या मान सम्मान सम्मान फ्री का मिलता है? क्या मान सम्मान सम्मान फ्री का मिलेगा?
श्रम, हुनर और पैसा तीनों खर्च करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? आप अपने दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो आज के समय में आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भाजपा। और अगर आपके आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आने वाले समय में उसे नेस्ता नाबूद करना होगा कि नहीं करना होगा? क्या नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार है? तैयार है तो यहाँ से कसम खाकर निकलना होगा। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हमारे साथ एक बार नारा लगाइए, हाथ उठा करके जोरदार आवाज में, तेज आवाज में बोले जय आजाद। अगर चाहते हैं आपका मान सम्मान सम्मान मिल जाए तो मैं कम शब्दों में बताऊंगा। आर्थिक स्रोतों पर कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सत्ता। आज क्यों कहा जाता है जिस समाज का राजा होता है वह समाज राजा होता है, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं। जब तक दलित भाई दूसरे के दल में थे तब तक दल दल में थे, तब तक वो हनुमान चाचू पूजा कहे जाते थे, तब तक जब वो नौकरी लेने जाते थे तो नाथ अवेलेबल नाथ सुटेबल कहकर के उन्हें छांट दिया जाता था। लेकिन वही दलित भाई उसी समाज में एक मसीहा ने जन्म लिया, मनोहर कांसीराम साहब ने कहा कि तू दूसरे के दल में रह करके कभी महल में नहीं जा सकता, अपना दल बना ले, महल वैसे ही तुम्हें बना बनाया मिल जाएगा, तुम्हें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दलित भाइयों ने केवल अपना एक काम किया कि अपनी पार्टी बनाया, अपने संगठन को मजबूत किया, अपने नेता के कहे अनुसार अपने बहन जी को कमांडर मान लिया और उनके नेतृत्व में डंडा झंडा उठा लिया, नारा लगा लिया, अपनी पार्टी का जय जयकार करने लग गया तो मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान हक पद अधिकार सब कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? तो आप भी अपना तुरहा का आरक्षण लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इस आर्थिक स्रोतों पर कब्जा हो जाए ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वह आर्थिक स्रोत पूरा होता है, मैं एक मिनट में बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। दृश्य क्या होता है कि आप जो कुछ भी खरीदते हैं, जो लोग नशा करते हैं, अमल पानी करते हैं, चाहे खाने पीने की वस्तुएं लेते हैं, बिस्किट नमकीन से लेकर के गुटखा पान बीड़ी सिगरेट तक, चावल दाल चाय चीनी, जो कुछ भी आप खरीदते हो उसका 50% सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। ये दृश्य, ये दिखाई पड़ता है कि मैं जो कुछ भी खरीदता हूँ उसका 50% सरकार टैक्स के रूप में लेती है। और अदृश्य वो है कि जो जमीन से निकलता है, सोना चांदी तांबा पीतल रत्न कोयला पानी बालू मोरम हीरा मोती गुच्छे द्वारा सब जमीन से निकलता है, क्या वो फ्री में जाता है कि पैसे में? कम पैसे में जाता है कि बहुत? एक दिन में हजारों करोड़ रुपए जमीन से निकलता है, उसका मालिक कौन होता है? कौन होता है? सरकार। कौन होता है? आज सरकार किसकी है भैया? बीजेपी। और सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा को चलाते कौन है? इसके कार्यकर्ता। तो उस पैसे का मालिक कौन है? भाजपा। उस पैसे का मालिक कौन है? कार्यकर्ता। उन चोरों का ये गिरोह है कि जो बहुत साफी होता है, चोर बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन उससे बुद्धिमान वह आदमी होता है जो अपनी भैंस के गले में घंटी बांधता है। वो सोचता है कि जब चोर आएगा चोरी करेगा तो घंटी बजेगी और मैं पकड़ लूंगा। लेकिन दो चोर होते हैं, एक चोर उस भैंस के गले की घंटी को खोलता है, लेकर के पश्चिम दिशा में चला जाता है, और दूसरा चोर भैंस को लेकर के पूरब दिशा में चला जाता है। जो घंटी लेकर के भागता है बजाते हुए जाता है, गांव के लोग सोचते हैं कि चोर पश्चिम की तरफ भाग रहा है, दौड़ाओ दौड़ाओ, और वो दौड़ाते हैं, वो चोर घंटी छोड़ करके भाग जाता है और दूसरा चोर उसकी भैंस लेकर के चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से इस देश को लूटने वाले दो चोर, एक योगी आदित्यनाथ जो घंटा पकड़ा रहा है हमें राम मंदिर के नाम पर, और दूसरा
दूसरा मोदी इस देश को लूट करके खोखला कर रहा है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान सब कुछ कब्जा कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे देख रहे हैं। अब क्या हाथ पे हाथ रखे बैठे देखना है? चोरों से अपना मान सम्मान स्वाभिमान अपना हक पद अधिकार लेना है, अपना अधिकार लेने के लिए तैयार है। तो जब तक भगवान भरोसे दलित समाज के लोग बैठे थे तब तक नीच कहे जाते थे, अछूत कहे जाते थे, तब तक गोबर का दाना खाने पे मजबूर थे, लेकिन जब ही संविधान के भरोसे रह गए तो आज उनको अधिकार मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला कि नहीं मिला? तो आपका भी अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग ईमानदारी से अपना अधिकार लेना चाहते हैं? बढ़ा के भाई तो सांसद राम साहब ने कहा था कि मुझे एक वोट और एक नोट दे दो, तुम्हारी आजादी तुम्हारे कदमों में रहेगी, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे घर पे ला करके वह लोग देंगे जो तुम्हारा अधिकार खा रहे हैं। तो दलित भाइयों ने एक वोट एक नोट दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? तो अधिकार पाए कि नहीं पाए? तो आप लोग उन्हें डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कहते हैं कि हमारा समाज बहुसंख्यक है, बीमारी बड़ी है और इलाज जल्दी करना है तो दवा जल्दी से खाना होगा, महंगी खाना होगा। तो उन्होंने कहा